भारतवर्ष में 7 दिवसीय शिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है। आज चौथे दिन शिवरात्रि के अवसर पर गेंदेश्वर शिवधाम मंदिर में बड़े ही धूमधाम से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्वरूप शिवरात्रि पर्व पूरे विधि विधान नियमों और रस्मों के आधार पर मनाया जा रहा है। मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त माता पार्वती भगवान शिव के दर्शन करने पहुँचे। आपको बता दें, आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर गेंदेश्वर शिवधाम मंदिर में भी 7 दिवसीय शिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से एक विवाह संपन्न होता है, उसी प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्वरूप शिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। पहले दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माता की पूजा की जाती है, तीसरे दिन भक्तों के द्वारा भगवान शिव को हल्दी लगाई जाती है। आज शिव विवाह का चौथा दिन है। यहाँ भगवान शिव की भस्म आरती कर भगवान शिव के स्वर्ण कलश का अभिषेक कर पूरे दिन भगवान शिव का भक्तों के द्वारा अभिषेक किया जाता है। रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ को दूल्हे की तरह सजाया जाएगा और मंदिर में मंडप भी सजाया जाएगा। इसके पश्चात तांडव आरती भी की जाएगी। रात भर भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक किया जाएगा। इसी प्रकार भगवान शिव का विवाह संपन्न कराया जाएगा। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि जो शिव भक्त भगवान शिव की 12 महीने आराधना नहीं कर सकते, अगर वे भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव उनकी भी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सभी भक्तगणों को पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व आने से ही लोगों के मन में श्रद्धा अपने आप जागरूक हो जाती है और हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये शिव विवाह महोत्सव हम 5 दिवसीय रूप में मनाते हैं। जिस प्रकार एक विवाह संपन्न होता है, उसी प्रकार हम शिव और पार्वती का विवाह यहाँ करते हैं। प्रथम दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, दूसरे दिन माता पूजन करते हैं, तीसरे दिन भक्तों के द्वारा हम यहाँ पर हल्दी लगवाते हैं। आज शिव विवाह महोत्सव का चौथा दिन है, जिसमें प्रातःकाल भगवान की भस्म आरती की थी, भगवान भोलेनाथ का स्वर्ण कलश का अभिषेक किया था। ये दिन भर भक्तों के द्वारा अभिषेक एवं पूजन यहाँ पर लगातार किया जाता है और रात्रि 8 बजे भगवान भोलेनाथ को झूले के रूप में सजाया जाएगा, विशेष रूप से सजाया जाएगा और मंडप सजाया जाएगा। रात्रि 8 बजे महातांडव आरती की जाएगी, जो कि पूरे भारतवर्ष में केवल शिवधाम मंदिर पर ही की जाती है। जो कि आरती की विशेषता यह है वहाँ पर कि एक पेड़ पर 1 घंटे तक वो आरती होती है, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है तांडव आरती के नाम से। वो आरती की जाएगी रात्रि 8 बजे। उसके बाद रात भर भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक किया जाएगा, फिर पुनः कल भगवान को दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा, रत्नों से श्रृंगार किया जाएगा। हमारे यहाँ इसी प्रकार से 5 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। आज के दिन की पूजा का बहुत महत्व माना गया है। आज के दिन जो भक्तगण 12 महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकते, वो केवल शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर जल चढ़ाते और अभिषेक करते तो साल भर पूजा करने का उनको फल प्राप्त होता है। तो भगवान भोलेनाथ को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो केवल भाव के भूखे हैं। मैंने भक्तों को देखा कि भक्तों के मन में ऐसा रहता है कि 100 लीटर 50 लीटर दूध से अभिषेक करेंगे तो ही भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान भोलेनाथ ही कैसे देवों में देव महादेव है, जिनको सिर्फ भाव की जरूरत है, भाव के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। तो जो भी भक्त यहाँ पर हो, अपने पास के शिवालय में जाए, वहाँ भगवान का अभिषेक रुद्राभिषेक करे, पूजन करे, जिस तरीके से पूजन वो करना चाहते हैं वैसे पूजन करे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करे, अपने जीवन को धन्य बनाए।